गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन का सामाजिक पहलू क्या है या उनका सामाजिक चिंतन क्या है, इस पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का चिंतन एक व्यापक चिंतन है, जिसमें किसी वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष तक ही उन्होंने अपने विचार प्रसारित नहीं किए हैं, बल्कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन तक व्यापक स्तर पर अपने विचार और संदेश प्रचारित किए हैं। स्वामी जी एक सही अर्थों में एक धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति हैं। स्वामी जी मानव मात्र और संपूर्ण समाज की सेवा में विश्वास करने वाले सन्यासी हैं। उन्होंने इस बात का अनुभव कर लिया था कि जब तक समाज में विविध अंधविश्वासों और कुरीतियों का प्रचलन रहेगा, तब तक भारत में राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय कल्याण संभव नहीं है। स्वामी दयानंद ने भारतीय सामाजिक जीवन के विविध प्रसंगों पर गंभीरता के साथ विचार किया है और उनके सामाजिक चिंतन की कुछ प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। स्वामी दयानंद ने विश्वास व्यक्त किया है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक स्तंभ हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही संभव हो सकता है और विकास की स्थिति को व्यक्ति तक ही सीमित कर देना एक भ्रांत धारणा है। समाज एक संगठित इकाई है और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त हो। इस प्रकार स्वामी जी समाज के प्रत्येक सदस्य के विकास को आवश्यक और अनिवार्य और महत्वपूर्ण मानते थे। नंबर दो, गुण पर आधारित जाति व्यवस्था का समर्थन। स्वामी जी ने वेदों में उल्लेखित वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि आज की जाति व्यवस्था उस वर्णाश्रम व्यवस्था के एकदम विपरीत है जिस पर वैदिक समाज आधारित था। उन्होंने जन्म को जाति की कसौटी मानने का विरोध किया है और इस बात का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य का वर्ण या जाति या उसकी मानसिक प्रवृत्तियाँ गुणों और कर्मों के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। उनका विचार था कि वर्ण निर्धारित करने की कसौटी जन्म नहीं, वर्ण किसी विशेष कार्य को संपन्न करने की मानसिक क्षमता है। दयानंद का मत था कि मनोविज्ञान तथा व्यावसायिक कसौटी पर आधारित वर्ण का सिद्धांत अनेक सामाजिक तथा व्यावसायिक संघर्षों का समाधान कर सकता है। उन्होंने इस बात का भी प्रतिपादन किया कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के लिए संपन्न किए जाते हैं, अतः छुआछूत या किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। नंबर तीन है, आश्रम सिद्धांत का समर्थन। भारत के प्राचीन साहित्य में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को चार आश्रम पर आधारित बतलाया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो क्रम से चार हैं। व्यक्ति की आयु 100 वर्ष समझकर ये व्यवस्था स्थापित की गई थी। प्रत्येक व्यक्ति क्रमशः प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष की आयु व्यतीत करते हैं। स्वामी जी ने इस आश्रम सिद्धांत का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि आज के समाज में जुगातिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हुई है, वो आश्रम सिद्धांत को अपनाने पर उस पर अंकुश लगाया और सामाजिक जीवन में व्यवस्था स्थापित करके उसे सुधारा जा सकता है। नंबर चार है, नारी गरिमा के प्रति प्रबल समर्थन और निष्ठा। स्वामी दयानंद ने नारी की गरिमा का प्रबल समर्थन किया है और हिंदू समाज में प्रचलित तो उस विचार का खंडन किया है कि नारी समाज के दूसरे प्रतिनिधि मतलब कि पुरुष के समान नहीं है। उसे प्रकृति ने ही शरीर, स्वभाव, योग्यता और शक्ति की दृष्टि से पुरुष से भिन्न बनाया है और यह भिन्नता उसे पुरुष के तुलना में हेय बताती है। मतलब कि स्वामी दयानंद उस पारंपरिक प्रथा और रीति को मानने के खिलाफ है जो स्त्री को पुरुष के मुकाबले भिन्न या कम आंकती है। स्वामी जी का मन मातृशक्ति के प्रति आदर से परिपूर्ण था। वे स्त्री जाति को पूर्ण स्वतंत्रता के पक्के पक्षपाती थे, अतः उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक जीवन पर लगे अनुचित प्रतिबंधों की निंदा की है। स्त्रियों को दीनहीन दशा से ऊपर उठाने में दयानंद ने जीवन पर्यंत कभी शिथिलता नहीं आने दी है। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया है, स्त्री शिक्षा पर बहुत बल दिया है। अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में वे लिखते हैं कि जो तुम स्त्रियों के वेद पढ़ने का निषेध करते हो तो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। इस प्रकार उन्होंने स्त्री पुरुष की मूलभूत समानता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि स्त्री पुरुष दोनों को विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए। 19वीं सदी में स्त्रियों के लिए इस प्रकार के अधिकार की बात करना निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी विचार था। स्त्री शिक्षा की गहरी आवश्यकता अनुभव करते हुए उन्होंने फिरोजपुर में कन्या महाविद्यालय और मेरठ में कन्या पाठशाला स्थापित करवाने का कार्य तो अपने जीवन में ही किया था।
स्वामी दयानंद ने मुख्यतः स्त्री गौरव को बढ़ावा दिया है और स्त्री सशक्तिकरण, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए वो अग्रसर रहे हैं। अगला पॉइंट है नंबर 5, सामाजिक कुरीतियों का अंत आवश्यक है। दयानंद का निश्चित मत था कि सामाजिक कुरीतियों को दूर किए बिना राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है, अतः उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया है। स्वामी जी ने प्रतिपादित किया है कि बाल विवाह नैतिक जीवन और शारीरिक विकास दोनों ही स्थितियों के लिए घातक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि 16 वर्ष कम आयु की कन्या और 25 वर्ष कम आयु का पुरुष संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं होते हैं, अतः किसी भी स्थिति में इससे कम आयु का विवाह नहीं होना चाहिए। उन्होंने उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध मानसिक वातावरण तैयार करने का कार्य किया है। उन्होंने अनमेल विवाहों का विरोध किया है और इस बात का प्रतिपादन किया है कि सुखमय पारिवारिक जीवन तभी संभव है जबकि स्त्री और पुरुष को विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया जाए। इसी प्रकार उन्होंने दहेज प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध और सती प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध आदि सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है। स्वामी दयानंद ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध केवल प्रवचन ही नहीं दिए बल्कि संकल्प लेकर उन्हें समाप्त करने की दिशा में अपना प्रभावी कदम भी उठाए हैं। इस प्रकार स्वामी दयानंद सामाजिक चिंतन के माध्यम से अपने आप को उस युग के एक महान पुरोधा के रूप में स्थापित करते हैं जिन्होंने हिंदू वैदिक धर्म और संस्कृति की न केवल रक्षा की बल्कि उसके महत्वपूर्ण पहलुओं के माध्यम से समाज में सामाजिक जागृति और सामाजिक उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त भी किया है। धन्यवाद।